स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो पवित्र शास्त्र के लिए, जिससे द्वारा हम अपने जीवन में लगातार सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने एक नया विषय आरंभ किया है और यह है दुख, शोक। प्रियों, इस संसार में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं होगा जिसने अपने जीवन में कभी दुख उठाया ही ना हो। कई बार यह दुख मनुष्यों के सहन शक्ति के बाहर भी हो जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो भी परमेश्वर की अनुमति से ही आते हैं, और परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र बाइबल में इस विषय पर या दुख उठाने के विषय पर पर्याप्त शिक्षा दी है। मनुष्य इन दुखों को जो उसके जीवन में आते हैं उठा लेने के लिए अपने ही तरीके इजाद करता है। वो अपने तरीके से दुखों को उठाना चाहता है और इसीलिए विफल भी हो जाता है। प्रियो, हमें अपने जीवन से बहुत सारी गलत बातों को निकाल करके दूर करना होगा, और इसीलिए हम सीख रहे हैं कि दुख कैसे न मनाएं, हाउ नॉट टू सॉरो। पिछले सप्ताह हमने इसके अंतर्गत पहला पाठ सीखा था जो था डू नॉट ड्रीम ऑफ हैप्पी टाइम्स ऑलवेज। पहला पाठ था कि यह न सोचें कि हरदम खुशियां ही होंगी। आज हम दूसरा पाठ सीखने जा रहे हैं, हाउ नॉट टू सॉरो, दुख कैसे न मनाएं। लेसन नंबर टू, डू नॉट डिनाई द फीलिंग्स ऑफ सॉरो। दूसरा पाठ है, दुख की अनुभूतियों से इनकार न करें। मैं फिर कहता हूं, हाउ नॉट टू सॉरो, दुख कैसे न मनाएं। लेसन नंबर टू, डू नॉट डिनाई द फीलिंग्स ऑफ सॉरो, दुख की अनुभूतियों से इनकार न करें। इन दिनों में एक झूठी शिक्षा चल पड़ी है जो यह कहती है कि अपने दुख को व्यक्त करना हमारे विश्वास की कमी को दर्शाती है। ये लोग कहते हैं कि हमारे दुखों के बारे में किसी से कहना ये एक प्रकार का नकारात्मक अंगीकार है, नेगेटिव कन्फेशन है। प्रियो, ये सुनने में भले ही ठीक लगता हो लेकिन ये पवित्र शास्त्र बाइबल पर आधारित नहीं है। अय्यूब की पुस्तक हम लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी पुस्तक बन जाती है, विशेष करके दुख उठाना अगर सीखना है या इस विषय पर आप अध्ययन भी करना चाहते हैं, पूरा पाठ सीखना चाहते हैं, तो अय्यूब की पुस्तक बहुत जरूरी है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नया नियम भी धीरज से दुख उठाने के लिए अय्यूब का ही संदर्भ देता है। याकूब की पुस्तक और उसके पांचवें अध्याय के ग्यारहवें वचन में देखिए क्या लिखा है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं, तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसको प्रतिफल प्राप्त हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। अय्यूब बड़े भयानक दुख में से गुजरा, लेकिन हम उसके जीवन से यह पाते हैं कि वो लगातार धैर्य धरा था और अपनी इस परिस्थिति में भी लगातार परमेश्वर की जय कह रहा था, परमेश्वर को धन्य कह रहा था। इसीलिए आइए हम अय्यूब की पुस्तक में चलते हैं और देखते हैं कि वह अपने दुख को किस तरीके से व्यक्त करता है, कैसे प्रकट करता है। अय्यूब के तीसरे अध्याय और ग्यारहवें वचन में अगर आप पढ़ें तो लिखा है, वो अपने विषय में कह रहा है, मैं गर्भ में ही क्यों नहीं मर गया और पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों नहीं छूट गया। आज के अपने जीवन के दुखों के लिए वो ये कह रहा है, मेरे पैदाइश के पहले ही अगर मैं मर जाता,
या फिर पैदा होने के साथ ही अगर मेरे प्राण निकल जाते तो बड़ा अच्छा हो जाता। इससे साफ जाहिर है मेरे मित्रों कि अय्यूब एक बड़े भयानक कष्ट से, बहुत बड़े दुख में से गुजर रहा था। अय्यूब की पुस्तक के छठवें अध्याय के पहले तीन वचन देखिए क्या कहते हैं। अय्यूब ने कहा, भला होता कि मेरा खेद तौला जाता, तराजू लेकर के उसको तौला जाता, और मेरी सारी विपत्ति तुला में रखा जाती, क्योंकि वह समुद्र की बालू से भी भारी ठहरती। अय्यूब यह कह रहा है कि एक तराजू ले लो और उसके एक पलड़े में मेरा दुख रख दो और दूसरे में समंदर के किनारे के सारी रेत की कणों को भर दो, सारी बालू भर दो, तो भी मेरा दुख बहुत भारी है। वो अपने दुख के लिए कहता है कि मैं बहुत बड़े दुख से गुजर रहा था। सातवें अध्याय में मैं इस प्रकार से देखता हूं कि वो कहता है कि मेरा दुख इतना ज्यादा है कि मेरे गले से मेरा थूक ही मुझको निकलना नहीं हो रहा है। उसके बाद दसवें अध्याय में देखिए और उसके पहले वचन में यो लिखा है, मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है, मैं तो स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा, मैं बोलूंगा, मैं अपने दुख को बोलूंगा, मैं बोल करके बताऊंगा कि मैं कैसे कष्ट जा रहा हूं, मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा और मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा, मैं अपने मुंह से बोल करके बताऊंगा, ऐसा अय्यूब बोल रहा है। प्रियो उसके आगे में देखिएगा 17वें अध्याय के पहले वचन में, मेरा प्राण निकलने पर है, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरे लिए कब्र तैयार है। प्रियो अय्यूब के मुंह से ऐसा वाक्य सुनकर के आपको कैसा लग रहा है, मेरा प्राण निकलने पर है, देखिए दुख कितना ज्यादा हो गया है, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरे लिए कब्र तैयार हो चुकी है। ये बातें सुन करके कहीं आप ऐसा तो नहीं सोचने लगे कि अय्यूब विश्वास में कमजोर निकला, या ऐसा तो नहीं सोच रहे कि वो परमेश्वर को सही तरीके से नहीं जानता था। जी नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम जानते हैं कि अय्यूब विश्वास में पक्का था और अय्यूब परमेश्वर को बहुत अच्छी रीति से जानता था। मैं ये बातें आपको बाइबल में से बताना चाहूंगा। यदि आप अय्यूब के ही 9वें अध्याय में देखें उसके 4थे वचन में वो कहता है, परमेश्वर यहोवा अति बुद्धिमान और अति सामर्थी है, उसके कार्य कितने अद्भुत हैं। वो परमेश्वर को सामर्थी परमेश्वर, बुद्धिमान परमेश्वर ऐसा करके पहचानता है। और 9वें अध्याय के 10वें वचन में देखिए वो कह रहा है, परमेश्वर तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी थाह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। अपने दुख के बावजूद, अपनी तकलीफों के बावजूद वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, लगातार परमेश्वर की सच्ची पहचान में अपने मुख के ये शब्द बोल रहा है। प्रियों उसी तरीके से अगर आप 10वें अध्याय में देखें और उसके 12वें वचन में देखें तो लिखा है, तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है, और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। बहुत बीमार था, सर से पांव तक फोड़ों से भरा था, लेकिन अभी प्राण नहीं निकले हैं, तो उस प्राण के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है और कहता है, परमेश्वर तू कितना करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, क्योंकि तेरे कारण मेरे प्राण की रक्षा हुई है। और इसी प्रकार से अगर आप 13वें अध्याय और उसके 15वें वचन में देखें, वहां पर तो यह लिखा है, वह मुझे घात करे, यानी मेरे प्राण को भी ले ले, मुझे मार भी डाले, तो भी मेरा भरोसा उसी पर है। कितने प्यारे शब्दों में अय्यूब ने परमेश्वर की स्तुति की, अपना पूरा भरोसा उस पर दिखाया कि परमेश्वर से मेरा भला होता है, यदि वो मेरे प्राण भी ले ले, वो मुझे घात भी कर दे, तो भी मेरा भरोसा परमेश्वर पर ही बना है। और उसी तरीके से मैं 19वें अध्याय के 25वें वचन का पहला भाग बताता हूं, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब कह रहा है, माय रिडीमर लिव्स, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा बचाने वाला, वो परमेश्वर जिंदा है।
तो मैंने एक भाग आप लोगों के सामने रखा जहां पर यह प्रतीत हो रहा था कि अय्यूब बेहद दुखी है, वो अपने मुंह से ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा था जिससे दुखों की लड़ी लगाया हो, और बताना चाहता हूं अपने मन के अंदर से सब निकाल करके उस कड़वाहट को बता करके, लेकिन उसी समय एक बड़ा प्यारा संतुलन बनाए रखता है और परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, परमेश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखता है, परमेश्वर की सच्ची पहचान है उसको, और वो परमेश्वर पर अपने विश्वास को बनाए हुए है कि मेरी भलाई उसी से होनी है। वो अपने सुख और दुख के जीवन के संतुलन को जानता है, वो परमेश्वर को जानता है। प्रियो, बाइबल में बहुत से ऐसे परमेश्वर के जन हैं जिन्होंने अपने दुख को छिपाया नहीं, उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि हम लोगों के जीवन में परेशानियां आती हैं, दुखों से हमारा जीवन छलनी हुआ है। वो इस बात को स्वीकार करते और बोल करके भी बताते। मैं बाइबल में से कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला उदाहरण मैं आपको दाऊद का देना चाहता हूं। दाऊद को हम उसके भजनों के कारण जानते हैं, और यदि आपने भजन संहिता में से आरंभ से लेकर अंत तक देखा है तो आपने एक खास भाव उसका देखा होगा कि मानो ये दुखी व्यक्ति के शब्द हैं, उसकी पुकार है, उसकी विनतियां हैं, और जय जयकार भी जब हमको भजन संहिता में मिलती है तो मिलता है कि तूने मुझे दुखों में से छुड़ाया, मेरे क्लेश में से छुड़ाया है। और इन भजन संहिता के वचनों में और गीतों में हम पाते हैं कि वो अपने दुख को पूरी तरह से उंडेल दे रहा है। मेरे साथ में आप निकालिएगा भजन संहिता और उसके छठवें अध्याय और उसके छह और सात वचन में, देखिए क्या लिखा है। मैं कराहते कराहते थक गया। कितना बड़ा दुख है कि वो करा रहा है और कराते कराते थक गया है। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं, और मेरे सब सताने वालों के कारण वो धुंधला गई हैं। दाऊद रो रहा है, आंसू बहा बहा करके रो रहा है। हम लोगों ने भी अपने जीवन में कई बार आंसू बहाए होंगे। हम लोगों ने शायद अपने रुमाल को गीला किया होगा या अपने बिस्तर पर अपनी तकिया गीला किया होगा, लेकिन दाऊद कहता है मेरा पूरा पलंग मेरे आंसुओं से भीग चुका है। इस प्रकार से वो अपने दुख को व्यक्त करता है। प्रियो, चकित करने वाली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु के दुखों का वर्णन जो हम अधिकांश नए नियम से पाते हैं वो भजन संहिता से ही उठाए गए हैं। उनमें से कुछ आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह पर झूठे गवाह ला करके खड़े कर दिए गए थे, झूठे गवाहों से वो गिरा हुआ था। यदि आप भजन संहिता का 27वां अध्याय देखें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मुझे मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है वे मेरे विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त के वस्त्रों को बांट दिया गया था, उसके बारे में भी हम भजन संहिता में पाते हैं। 22वां अध्याय देखिए और उसके 18वें वचन में यूं लिखा है, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। देखिए, दाऊद अपने दुखों को लिख रहा है, कष्टों को लिख रहा है, लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के दुख को भी व्यक्त करने के लिए इन्हीं बातों को रखा गया है। प्रभु यीशु मसीह की खूब निंदा की गई, उसे बुरे बुरे शब्दों से कहा गया। यह भी बात हमें 22वें अध्याय के 7वें वचन में प्राप्त होती है, वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और ओंठ बिचकाते हैं, सिर हिलाते हैं। इस प्रकार से प्रभु यीशु को सताया जा रहा था। और तो और आप देखेंगे कि प्रभु यीशु को पीने के लिए सिरका दिया गया था। भजन संहिता में 69वां अध्याय देखिए और उसके 21वें वचन में लिखा है, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायन दिया और मेरे प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। प्रभु यीशु ने भी इस प्रकार से जब वे प्यासे थे और क्रूस पर से उन्होंने पुकारा, तो हम जानते हैं उसको पिलाने के लिए किसी ने दाखरस नहीं लेकर गया, कोई अंगूरों का शीरा नहीं पिलाया, परंतु उसे
पित्त मिला हुआ, एक कड़वा वाला उसको सिरका पिलाया गया था। इसी प्रकार से प्रभु यीशु क्रूस पर से कह रहे हैं अपने दुख में भर करके कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। भजन संहिता का 22वां अध्याय देखिए और उसके पहले वचन में भी यही पाते हैं कि दाऊद अपने भजन में इस प्रकार से आरंभ करता है अपने दुख में होकर के कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यदि दाऊद अपने दुखों से इनकार कर देता, यदि वो अपने दुखों को छिपा देता, तो प्रभु यीशु मसीह के दुख के वर्णन को या दुख उठाने की भविष्यवाणियों को हम कहां ढूंढते। आइए इस विषय में मैं आपको प्रभु यीशु के भी जीवन की बात बताना चाहता हूं इसी विषय पर कि प्रभु यीशु भी अपना दुख नहीं छिपाते थे। मेरे साथ में खोलिएगा सुसमाचार में मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26वां अध्याय 37 और 38वें वचन में देखिए, यहां यो लिखा है, यीशु पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को अपने साथ में ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा, और तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। प्रभु यीशु ने भी अपने दुख को छिपाया नहीं, अपने शिष्यों के सामने दुख को छिपाया नहीं, अपने आप को बहुत आनंदित हूं बहुत प्रसन्न हूं ऐसा नहीं कहा, परंतु प्रभु यीशु भी अपने शिष्यों के समक्ष अपने दुखी होने की बात को मुंह से बोल करके बता रहे हैं, मैं उदास हूं, मैं व्याकुल हूं, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जाता है। प्रियो, कुछ लोग इस झूठी शिक्षा का प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे सारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया है और इसीलिए हमको दुखी होने की जरूरत नहीं है, हमें दुख उठाने की जरूरत नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं कि यीशु ने उठा लिया अब हम छूट गए, लेकिन मैं बताना चाहूंगा ये बात बिल्कुल भी बाइबल आधारित नहीं है, परंतु बाइबल की सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। मेरे साथ आप निकालिएगा दूसरा कुरंती उसका 6वां अध्याय और उसके 10वें वचन में, यहां पर प्रेरितों के जीवन से आप लोगों के बताना चाहता हूं। प्रेरितों का कहना है कि हम शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। प्रेरितों ने इस बात से इनकार नहीं किया कि उनके जीवन में दुख नहीं आ रहे, आ रहे हैं, भरपूर दुखी है, बहुत दुखी है, परेशान है, लेकिन फिर भी लिखा है आनंद करते हैं। हमको परमेश्वर में आनंदित रहने की सलाह दी गई है। आपको मालूम है नए नियम में एक पत्री है जिसे आनंद वाली पत्री कहते हैं। जी हां, मैं फिलिपियों की पत्री के बारे में कह रहा हूं। 3रा अध्याय 1वां वचन देखिए, वहां लिखा है कि हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। 4था अध्याय और 4था वचन आपको शायद याद होगा, प्रभु में सदैव आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं सदैव आनंदित रहो। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि ये इसी पत्री के शब्द मैं आपको बताऊंगा फिलिपियों के 2रे अध्याय में जो हमको मिलते हैं, जहां पर पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मुझ पर दुख शोक पर शोक आते हैं। ये प्रेरित उन दुखों में से गुजरते हुए हमें इस बात का प्रोत्साहन देना चाहता है कि मैं इन शोकों में, इन दुखों में, इन परेशानियों में आनंदित होता हूं, इसीलिए तुमसे भी कह रहा हूं कि तुम भी आनंदित रहो। हे प्रियो, ये सब अच्छे उदाहरण तो अवश्य हैं। हमने दाऊद का उदाहरण देखा, यीशु का उदाहरण देखा, या पौलुस प्रेरित का उदाहरण देखा, लेकिन इस विषय पर जो सबसे उत्कृष्ट या सबसे पहला उदाहरण है, जिस व्यक्ति ने अपना दुख प्रकट किया, वो स्वयं परमेश्वर है। उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 6वें अध्याय में आइए, यहां पर 6वें वचन में से आपको बताना चाहता हूं, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, एक योजना लेकर के बनाया, लेकिन अब वो योजना विफल हो गई है, इसलिए वह मन में बहुत खेदित है। वो कह रहा है, मनुष्यों को बनाने से मैं पछता रहा हूं, मैं बहुत दुखी हूं।
परमेश्वर अपने दुख को स्पष्ट करता है। और ये भी एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण है। एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ निकालिएगा यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसके पहले 4 वचन अगर आप गौर करेंगे तो परमेश्वर कह रहा है कि मेरी एक दाख की बारी है, ऊंचे टीले पर है और एक अति उपजाऊ टीला है, और मैंने वहां के सब पत्थर बीन करके फेंक दिया और वहां पर मिट्टी और वहां पर खाद और सब कुछ अच्छी तरीके से डाला, और फिर उसके बाद एक उत्तम जाति की दाख लता को लगाया और फिर इसकी आशा की कि अभी बहुत उत्तम सी दाख मुझको मिलने वाली है। लेकिन जब फल का समय आया तो बाइबल में लिखा है उसमें निकम्मी दाखें लग गई, उनमें कड़वे फल आ गए हैं। अब इसके बाद देखिए 3रे वचन में परमेश्वर क्या कह रहा है। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरे दाख की बारी के बीच में न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया था जो मैंने नहीं किया। परमेश्वर यहां दुखी है प्रियो। अगर आप अंग्रेजी बाइबल में पढ़ेंगे ना तो वहां पर यह शब्द है प्लीज जज, मेहरबानी करके बताओ कि मेरे से क्या रह गया था जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। परमेश्वर दुखी है, परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ किया है और वो बोल के बताता है कि मैं दुखी हूं। इसलिए प्रियो आज का पाठ हमसे यही कह रहा है कि दुख की अनुभूतियों से इनकार नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक भविष्यवाणी का शब्द है। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर के बड़े आनंदित होते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक में से बताते हैं कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और बहुत सारी अद्भुत अद्भुत बातें। लेकिन मैं आपको यशायाह नबी के 53वें अध्याय से यीशु का एक और नाम बताना चाहता हूं और वो है 53वें अध्याय के 3रे वचन में लिखा है वह दुखी पुरुष है। दुखी पुरुष ये उसके नाम में है, मानो वो दुखी पुरुष है। प्रियो यदि आप दूसरा वचन देखें तो वहां पर लिखा हुआ है उसकी ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसे देखते और ना ही उसका रूप ऐसा दिखाई पड़ता कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था। प्रभु यीशु के लिए यह नाम लिखा है। प्रियो मसीह की सूरत कुछ बयान कर रही थी, दुखी व्यक्तियों की सूरत भी कुछ बयान करती है। उनके आंखों से लगातार धाराएं बहती है, आंसू भी हमें परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुए हैं कि हमारे दुखों को हम प्रकट करें। उदाहरण के लिए मैं आपको यूसुफ के जीवन से बताना चाहता हूं। जब यूसुफ के सामने उसके भाई आते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 43वें अध्याय में देखिए, यहां पर यह लिखा है तब अपने भाई के स्नेह से मन भराने के कारण और यह सोच करके कि मैं कहां जाकर यूं रोऊं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। तो यह पहला रोना था जो वो छुप करके रोता है, बाद में मुंह धोकर के सामने आता और फिर खड़ा होता। लेकिन फिर एक मौका आता है 45वें अध्याय के 2रे वचन में, अब उससे रहा नहीं गया। लिखा है तब वो चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा और मिस्रियों ने सुना, फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला कि यूसुफ रो रहा है। यूसुफ कौन है आप जानते हैं, वो मिस्र देश का अधिपति है। उसने ये नहीं कहा कि मेरा पुरुषार्थ मुझे रोने नहीं देता, उसने ये नहीं कहा कि मैं इतने ऊंचे पदवी पर हूं मैं कैसे रो सकता हूं, परंतु उसने अपने दुख को प्रकट किया। वो चिल्ला चिल्ला करके आंसू बहा बहा करके रोने लगा। एक और के बारे में बताना चाहता हूं, यशायाह नबी के पुस्तक और उसके 38वें अध्याय में आइए। यहां पर एक राजा है, राजा हिजकिया, जिसको जाकर के यशायाह नबी ने परमेश्वर के वो शब्द कह दिए कि अब तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तुझको एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें से तू नहीं निकलेगा। आपको मालूम है ये राजा क्या करता है। लिखा है राजा पलटता है दीवार की ओर अपना मुंह करता है और हिजकिया बिलख बिलख करके रोने लगा, आंसू बहा बहा करके रोने लगा। ये भी यशाया महल से बाहर ही नहीं निकला कि परमेश्वर ने यशाया से कहा जा वापस जा और हिजकिया को बोल दे मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं।
यशायाह नबी की पुस्तक 38वां अध्याय और 5वां वचन, परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। हमारे आंसू जब बहते हैं तो परमेश्वर देखता है, आप अपने दुख में अपने आंसू बहाते हैं तो परमेश्वर देखता है, आप अपने आंसू बहा के जब दुआ मांगते हैं तो परमेश्वर कहता है मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया और तेरे आंसुओं को देखा है, और वो प्रभु के लोगों को भेजता है कि जा और बता दे कि मैंने तेरे आयु को बढ़ा दिया, मैंने तेरी विपत्ति को हटा दिया, मैंने तेरी बीमारी से तेरे को चंगाई दे दी, तेरे दुख को मैंने दूर किया है। हे प्रियो, प्रभु यीशु ने क्या आंसू बहाए हैं? हाँ, प्रभु यीशु ने भी आंसू बहाए हैं। हम लोग वो बाइबल के छोटे से पद को जानते हैं, 11वां अध्याय और 35वां वचन यूहन्ना का, लिखा है यीशु रोया, लाजर की कब्र के बाहर यीशु रोया, उसके आंसू बहे, लोगों ने देखा, भीड़ ने देखा कि यीशु रोया। और रोना, दुख बहा, दुख उठाना या आंसू बहाना कोई गलत बात नहीं होती। प्रियो, आज का पाठ यही कह रहा, दुख की अनुभूतियों से इनकार न करें। प्रभु यीशु ने जानने के बावजूद भी कि लाजर को मैं जिंदा करने वाला हूं, वो जीवित होगा, उसके बावजूद भी वो कहते हैं, वे अपने आंसुओं को बहने देते हैं। प्रियो, मैं आपको भजन संहिता 56 में से एक सुंदर सा वचन, आप में से कुछ को याद भी होगा, वहां पर यूं लिखा है 8वें वचन में, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लेता, क्या उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। प्रभु यीशु इस बात को जानते हैं, परमेश्वर हमारे आंसुओं को जमा करता, परमेश्वर हमारे आंसुओं को बोतल में जमा करके रखता है। प्रियो, कई बार मैंने देखा है लोग अपने प्रियजन के गुजर जाने पर कब्रिस्तान में गवाहियां देते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं बोल पाते, मुंह बंद रहता है। दोनों भी बातें ना तो इस बात को दर्शाती हैं कि आप बहुत विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं। मृतकों के चले जाने के विषय में पौलुस ने एक बात बहुत स्पष्ट कही है, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4वां अध्याय और उसके 13वें वचन में, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते अज्ञानी रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। अर्थात हम अन्य जातियों के समान दुख न मनाए जब कोई गुजर जाता है, परंतु प्रियो प्रभु में और उसकी आशा में कि पुनरुत्थान है हम आनंदित रहें। अपने दुखों को छिपाने की जरूरत नहीं है, परंतु हां उसे लोगों को बताते भी ना फिरें। बहुत थोड़े हैं जो आपके दुख में सहभागी होकर के आपके साथ दुखी होते हैं। कोई अपना दुख यदि आपके साथ में बांटता है तो ध्यान से उनकी बातों को सुनिए, इसलिए नहीं कि उनकी कहानियां बता करके दूसरों को जाकर के सुनाओगे, परंतु इसलिए कि परमेश्वर के सामने अपने घुटनों पर आकर उस व्यक्ति के लिए आप आंसू बहा सकें। हाउ नॉट टू सॉरो, दुख कैसे ना मनाए, डू नॉट डिनाय द फीलिंग्स ऑफ सॉरो, दुख की अनुभूतियों से इनकार न करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दें।